मैं अपनी मिलवाऊंगी बेबी गर्ल से। किताब थैंक यू। नाराज क्यों हो रहे हो आजकल? ये दूसरी तीसरी बार मंगाए हैं सर। हाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं कंसा और मैं हूं फैज और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल मोमिचंद। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहां पे भी रहें खैर खैरियत से रहें, खुश रहें। मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं। तो सबसे पहले जिसने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा वो जल्दी से जाके देख ले और लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। और अब चलते हैं जल्दी से व्लॉग की तरफ, तो चले भी चलते हैं। सुबह उठे हैं वो भी थोड़ा जल्दी उठ गए क्योंकि ऊपर सबसे ऊपर जो है उनका अलार्म बोली जा रहा था। मैं टेंशन हो रही थी, वो बंद ही नहीं कर रहे थे, घंटा डेढ़ घंटा वो बोलता ही रहा है। अभी जब मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया वीडियो उस टाइम बंद हुआ है, शुक्र है। मैं टेंशन हो रही थी कि क्यों नहीं बंद करे, और दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे थे। खैर अब फैज ने कहा कि नाश्ता करने बाहर चलते हैं, मैं कहा मैं जल्दी से चेंज कर लूँ, ऐसा ना मुझे छोड़ जाए। तो बस मैंने इसलिए जल्दी से ये वाले कपड़े चेंज करके तो अब हम जाने लगे हैं, चलें फिर चलते हैं। A few moments later. ये जी हम आ गए थे नाश्ता करने, लाहौरी नान चने, और जी ऑर्डर हमने कर दिया था। और मताफ साहब पीछे फैमिली बैठी थी, उनके बेटे को देख के बहुत खुश हो रहा था, इतना तो अपने भाई को देख के नहीं होता। जी तो हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने, मुझे पहली बार लेकर आए कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ घर में इजी भी नाश्ता हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी नाश्ता आ गया हमारा, संडे डाला भूल गया, बोले नहीं गए हैं। हेलो कर दो, अब हम नाश्ता करेंगे। जी भटूरे मंगवाए, अच्छे चले, पीछे तो एक आता है लेकिन अच्छे चले, है ना सर? मैंने भटूरे नहीं खाए। आइसक्रीम मांग रहे थे, फैज ने ला के घर में ही रख दी है। ये देखिए इसका हाल, देखिए क्या कर रहा है। ये देख बता, ये इधर देखो, इधर Thousands of tears later. तो रेस्ट करने के बाद, सारे काम करने के बाद फैज जा रहे हैं काम से बाहर, मताफ उनके पीछे पीछे, ये आवाज़ें आपको आ रही होंगी, रो रहा है। और हम जा रहे हैं ऊपर, छत पे नहीं जा रहे, ऊपर हैं रहते हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, फ्रेंड्स भी हैं हमारी, और हमने कहा चलो उनसे मिलने चलते हैं और मताफ को भी ले जाते हैं, है ना? और जो हुक तो जाता रहता है ऊपर, तो अब हम चलते हैं, चलें फिर ऊपर चलते हैं, चलें चलें चलें, बाय बाय। चलें जी, फैज तो चले गए और अब हम भी जाएंगे और कुछ देर वहाँ बैठेंगे, बातें शाते करेंगे, फिर मैं आपसे मिलूँगी वापस नीचे आके कुछ देर बाद। ये जी फैज गुजरांवाला गए हुए थे, तो वहाँ से कोई काम था तो वहाँ से लाए ये सजार कोट स्वीट थे ना, लच्चा की मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे भी और मामा को भी। ये अभी कह रहे थे टेस्ट करने के लिए लाया हूँ, अच्छी होगी तो और मंगवा दूँगा। खैर ये तो मैंने ही कहा था कि क्या बंदा इंसान बीवी के लिए चॉकलेट ही ले आता है। ओके। और ये वाली गचक भी बड़े मज़े की होती है, ये भी, और है भी मज़े की, तो ये लेकर आए हैं फैज। अच्छा थैंक यू फैज। और कल अब फैज हमें खिलाने वाले मिठाई, क्योंकि PTI जीत गई है, तो फैज ने कहा था जीत गई तो जो कहोगे वो खिलाऊंगा, तो जी कल अब उसकी बारी है, देखें क्या खिलाते हैं। तो जी वेलकम बैक, जैसे कि हो गया है अगला दिन, वो जो आपने सब देखा वो था पिछले दिन का, तो सलाम करना तो दोबारा बनता है, तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अब जी अब मैं आपको मिलवाऊंगी किसी से, मैं अपनी मिलवाऊंगी बेबी गर्ल से। जी तो खैर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, फैज़ और मताफ बाहर गए थे तो वो मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं, और फिर मैंने जाना है बाहर फैज़ के साथ समोसे लेने, बड़ा दिल कर रहा है समोसे खाने को, तो वो लेने जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी बेबी गर्ल से, चलें फिर। ये देखें जी, ये ये सब अगर बेबी गर्ल होता ना तो ये ऐसा होता। माय गॉड, वाओ, हेलो
बेबी गर्ल, कैसे हैं आप बेबी गर्ल? ये बेबी गर्ल के अब वालिद साहब प्यारी सी बेबी गर्ल देख रहे हैं। या ओ बहना वाह जी वाह, प्यारी सी बेबी गर्ल। इधर बाय 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 बाय। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो बड़ी वाली लग रही हैं आप। ए ओके बाय 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 बेबी गर्ल। ये जी फैज लाए हैं मेरे लिए, एक फैज लाए और एक मताफ लाए। ये मताफ, मताफ मताफ, थैंक यू मताफ। फैज के साथ गया था तो ये। और जी मैंने सोचा पहन भी लूँ, एक बार मैंने अपनी शादी पे पहने थे, फिर कज़न की शादी पे, और आज पहने लेकिन अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू फैज। और जी अब हम ये आए हैं समोसे लेने और चना चाट लेने। फैज का दिल करता चना चाट खाने का और मेरा समोसे, तो अब ले के घर जाएंगे। ये जी घर आ गए वापस, चाट और समोसे ले आए हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा ही, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाए हैं चना चाट, समोसों की चटनी है। समोसे बड़े ही मज़ेदार हैं होते हैं, हमने भी दूसरी तीसरी बार मंगाए हैं, फैज के फ्रेंड लाए थे वहीं रहते हैं। बाकी ये है कि अब इसको खाएंगे, मताफ को भी समोसे खिलाऊंगी, इसको अच्छे लगते हैं, फिर इन दोनों को सुलाऊंगे। आज मैं देर हो गई है मुझे दोनों को सुलाने में, अगर अभी नहीं ना सुलाया तो रात को ये दोनों सोएंगे नहीं, तो अभी आधे पौने घंटे के लिए इन दोनों को सुला दूंगी, फिर रात के खाने की तैयारी करनी है और रोटियाँ वगैरह बनानी है। तो फिर चले फिर मिलते हैं खाना ये खा के और थोड़ी देर बाद। ये जी मैंने इन दोनों को सुला दिए, बड़ी मुश्किल से सोए हैं दोनों। A few moments later. तो अब फैज कहीं चले गए थे, अभी भी आए हैं, तो अब मैंने इस हुक को उनको पकड़ाया है। मैं आपको दिखाती हूँ खाने में क्या बनाया आज, और मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ, फिर खाएंगे खाना, फिर फैज ने के काम से जाना चले जाएंगे, फिर वो आएंगे, फिर हम बाहर जाएंगे। तो चले मैं आपको अब दिखाती हूँ कि क्या बना है खाने में। चले खाने में बना है, एक मिनट बताती बताती, अरवी गोश्त, ये देखिए रोटियां मैं बनाने लगी हूँ, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये फैज साहब सब को संभाल रहे हैं। ये जी हो गया खाने का टाइम, ये मुताफ साहब ड्रामे करते हुए। मुताफ खाना खाने, खाना खा लो, नाराज क्यों हो रहे हो आजकल हैं? चलो उठो खाना खाओ। Thousands of tears later. तो जी दो घंटे हुए मैं फैज को गए हुए, कह के गए थे एक घंटे में आऊँगा और दो घंटे हो गए हैं। 10:30 बजे का मेरे ख्याल से टाइम है। हमारी घड़ी ख़राब है ना इसलिए पता नहीं चलता। और पापा मम्मा वॉक पे गए हुए हैं और घर में कोई भी नहीं है, मताफ है, जहूक है, बोर हो रहे हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। फैज का इंतज़ार कर रहे हैं कि आएँ तो हम बाहर जाएँगे। चलें जब तक वो नहीं आते मैं आपको दिखाती हूँ कि मताफ क्या कर रहा है। चलें फिर चलते हैं। अपने एनिमल्स के साथ खेलते हुए हैं, है ना मुताब? ओके गुड, हेलो कर दो, हाय हाय हाय, फ्लाइंग किस भी कर दो, थैंक यू से, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ओके, और बाबा कहाँ है? बाबा वेयर इज ही? ही देयर। ओके चलो बाय कर दो, बाय। ओके बाय। ये मुताफ साहब को मैं कह रही हूँ मेरे पास साथ आ जाएं, आ जाएं थोड़ी देर करवा लें वीडियो, कुछ बात कर लें, पर नहीं जी उनको अपने खेलों की पड़ी हुई है। अच्छा जी फैज आ गए हैं बहुत 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 देर बाद, इंतज़ार के बाद। और जी मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि ना बहुत ज़्यादा ना कुछ चीज़ी चीज़ी खाने को, ना बहुत सारा चीज़ वाला खाने को, तो मैंने फैज से कहा है चले हम निकलते हैं और फिर देखते हैं बाहर जाके कि क्या खाएंगे क्या नहीं। इस टाइम टाइम भी हो रहा है 12:15 के करीब टाइम हो रहा है, तो फिर चलें फिर चलते हैं वहीं जाके बात करते हैं। A few moments later. और भाई ये हम आ गए कुछ चीज़ी चीज़ी खाने, अब बैठेंगे अंदर और ऑर्डर करेंगे। ओ माय चीज़, हमने ऑर्डर किया है पास्ता, पिज़्ज़ा और ड्रिंक। बस जी ये अब हम कर रहे थे अपने पिज़्ज़े और पास्ते का वेट, और ये देखें ये इनका सारा सेटअप, बड़ा अच्छा सेटअप है, अच्छा लगता है। और जी अब ये हमारा आ गया था पास्ता और ड्रिंक्स, और ये देखें पास्ता दिखने में बड़ा मज़ेदार, यम लग रहा है, यम मज़े का लग रहा है।
ये जी मताफ के लिए हमने पिज़्ज़ा मंगवाया, आज फ्राइज नहीं मंगवाए, वो पिज़्ज़ा खाता है। ये जी फैज कह रहे हैं मेरी वीडियो बनाए, मैं चीज़ करूँगा। तो लोग को देख क्यों कह रहा है ये क्या कर रहे, खाए गरम है। चलो हेल्प कर, बहुत अच्छा। और ये बस हमने जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ठंडी हो जाती तो कोई फ़ायदा नहीं होना था चीज़ का भी। फिर हमने कहा कि खा कर ही मताफ़ को खिलाएंगे, और ये फैज़ साहब अपने बेटे को खिलाते हुए। और जी हम खा चुके हुए हैं, बहुत अच्छा था पिज़्ज़ा भी पास्ता भी, और ये सब हमेशा की तरह मुझे देखते हुए। और हम लोग आए थे जब लॉकडाउन था तब, और अब आए तब बाहर बैठते थे, पहली बार हम अंदर बैठे है ना सब, बताओ जब ये नहीं था है ना, यही बात है, यही बात है। चलें जी अब बस मताफ को खिला रहे हैं, अब हम इंशाल्लाह ताला घर चलेंगे और घर जाके बाद मिलेंगे। चलें फिर चलते हैं। घर वापस आ गए थे, फिर मैंने बच्चों को सुलाया, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, वहीं बैठे बैठे ही एक बज गया था। तो मैंने पहला काम यही किया कि उनको चेंज वगैरह करवा के फिर सुला दिया, और पास्ता और पिज़्ज़ा बहुत 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 मज़े का था। एक चीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, वो भी ख़त्म हो गई। अब जी ये है कि मैं अपने व्लॉग का करूँगी यहीं पे एंड। आप लोग लाजमी देखिएगा, लाइक भी ज़रूर कर दिएगा, और इसके अलावा सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, शेयर किया रहें, लाइक करें, बेल के आइकन का बटन भी दबा दें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। और जी अपना, अपने बच्चों का, आसपास के लोगों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें, इसी तरह प्यार देते रहें इंशाल्लाह ताला। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ढेर 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 सारा प्यार, दुआएं, अल्लाह हाफिज़।